ससुर का और जवाई का एक ही कहना है, कमल का फूल खिलाना है बस। बस। इस बार हम धोखे में नहीं आएंगे। और कांग्रेस अब बूढ़ी हो चुकी है। उसी दिन ओबीसी ने बिल्कुल सही कहा था, मैंने पिछले चैनल में देखा था कि कांग्रेस अब बूढ़ी हो चुकी है, उसको म्यूजियम में रहना चाहिए। इसमें वो ताकत ही नहीं है जो पिछले समय पहले जो महात्मा गांधी और इन लोगों में जो तो ताकत हुआ करती थी। कांग्रेस अब नाम की पार्टी रह गई है, एक पप्पू की पार्टी रह गई है, जो इधर से आलू डालो उधर सोना निकालो बच्चों का खेल बना दिया। जनता इनका पूरा जवाब देगी और इस बार बहुमत से 170 से 180 सीट पर भारतीय जनता पार्टी जीतेगी। नमस्कार, आप देख रहे हैं हेडलाइंस इंडिया, मेरा नाम है विनोद शर्मा। इस वक्त बैतूल में मौजूद हूं और बैतूल जिला भी है और बैतूल विधानसभा भी है, लेकिन इस जिले की चार विधानसभाओं पर 2018 में कांग्रेस ने मजबूती से सीटों पर कब्जा किया था। लेकिन अब 5 साल के बाद जनता दोबारा से वोट डालने जाएगी, लेकिन जनता किन मुद्दों पर अब की बार चुनाव में अपना बटन दबाएगी, यही जानने आ पहुंचा हूं। व्यापारियों के पास, किसानों के पास, ये सब्जी मंडी है, यहां पर खेतों का किसान भी आते हैं, गांव के किसान भी आते हैं और यहां पर व्यापारी भी बैठे हैं। भाई साहब, अब की बार आपके पास 5 साल के बाद फिर से मौका आया है। हालांकि ये जो सीट थी ये कांग्रेस के खाते में चली गई थी, लेकिन अब की बार क्या नज़र आ रहा है, कमल खिलेगा या फिर लग रहा है कि अब की बार भी यहाँ से कांग्रेस का हाथ मजबूत होगा? नहीं, उस समय जो धोखा हुआ था हमारे किसान भाइयों के को जो लॉलीपॉप दिया गया था, वो उस वजह से हमारे किसान भाई कुछ मिसयूज हो गए थे। इस चक्कर में वो उन्हें कमलनाथ जी ने अपना कमाल दिखा दिया था, लेकिन अब जनता जागरूक हो चुकी है, पूरा व्यापारी वर्ग जागरूक हो चुका है। बीजेपी की इतनी जन कल्याणकारी योजना है, इससे पूरी जनता संतुष्ट है, मेरे किसान भाई संतुष्ट है, पूरे व्यापारी लोग सभी लोग संतुष्ट है। इस बार हम धोखे में नहीं आएंगे। और कांग्रेस अब बूढ़ी हो चुकी है। उसी दिन ओबीसी ने बिल्कुल सही कहा था, मैंने पिछले चैनल में देखा था कि कांग्रेस अब बूढ़ी हो चुकी है, उसको म्यूजियम में रहना चाहिए। इसमें वो ताकत ही नहीं है जो पिछले समय पहले जो महात्मा गांधी और इन लोगों में जो तो ताकत हुआ करती थी। कांग्रेस अब नाम की पार्टी रह गई है, एक पप्पू की पार्टी रह गई है, जो इधर से आलू डालो उधर सोना निकालो बच्चों का खेल बना दिया। जनता इनका पूरा जवाब देगी और इस बार बहुमत से 170 से 180 सीट पर भारतीय जनता पार्टी जीतेगी। कांग्रेस के राहुल गांधी कह रहे हैं कि कांग्रेस में राहुल गांधी युवा नेता है, कांग्रेस को आगे बढ़ाएंगे। कमलनाथ जी कह रहे हैं मामा जी को छोड़कर आएंगे, राहुल जी कह रहे हैं मोदी जी को छोड़कर आएंगे। कहां हो आप? आप ये चीज एक चीज ये बताओ, युवा वर्ग की जो उम्र होती है 20 से 25 से 30 वर्ष में सभी लोग शादी ब्याह करते हैं, वो 50 साल 51 55 साल के होगा उसके बाद भी वो युवा ही है, वो 60 70 साल के हो जाएंगे जब जवान होंगे। तो ये ऐसे में इनकी बुद्धि भ्रष्ट हो चुकी है, इन्होंने घर पे जाकर गोली कंचे खेलना चाहिए, इटली अपने मामा के गाँव जाना चाहिए इन लोगों ने। तो इटली जाएंगे ना जब प्रधानमंत्री बन जाएंगे, राहुल गांधी कमलनाथ जी बन जाएंगे मुख्यमंत्री यहाँ के, तो इटली जाएंगे, नानी के यहाँ होकर आएंगे, घूम कर आएंगे। ये अब इनके मामा नाना नानी के वहीं जा सकते हैं, इनके बस की बात नहीं है, ये इन्हें दूसरा जन्म लेना पड़ेगा। ये जब दूसरा जन्म ले में जब सोचेंगे कि प्रधानमंत्री बनेंगे, तो इसके लिए एक मेरे गांव का गरीब किसान बन सकता है प्रधानमंत्री, एक चाय बेचने वाला, एक सब्जी बेचने वाला भी वो रखता है कि वो प्रधानमंत्री बन सकता है। लेकिन ये नहीं, ये पप्पू के बस की बात नहीं है। गांव गरीब और किसान के बारे में अगर कुछ सोचता है तो उसे भारतीय जनता पार्टी और सभी जन कल्याणकारी योजना के बस होती है। मेरे कुछ भाई लोग से बात कर रहा था कि लाडली लक्ष्मी बहना योजना में सीएम हमारे शिवराज मामा बोले इनका 3,000 करने वाले, तो बोले मेरा यही मैदान भैया उनको 1500 की जगह 1,000-1,200 हमारा भी जमा दो बोले। यही हमारे इनके ससुर जी ने उनसे बोला था। तो कुछ भाइयों लोगों का भी ध्यान रखे, मामा का सबका सब बहनों भी ना जा इसके लिए उनसे सभी लोगों से मेरे जीजा का ध्यान नहीं रख रहे मामा जी, जीजा का ध्यान रखेंगे। कमलनाथ लाइए, कमलनाथ को क्यों लाएंगे कमलनाथ को, हम तो लाएंगे मोदी को, यहाँ पे भी लाएंगे और वहाँ पे भी लाएंगे, दोनों जगह हम चलेंगे सरकार डबल। दोनों जगह? दो जगह हाँ? दो जगह है ऐसा मामा में? मामा में दम है, मामा में दम है, मामा में दम है। अरे कह रहे कोई दम नहीं है मामा में, मामा की कुर्सी गई गई गई। किन्ने बोला गई? मामा जहाँ बैठ गया वहीं कुर्सी खाली हो गई। हाँ मामा में दम है, मामा में दम है और मोदी में दम है। बैतूल में क्या होगा? यहाँ तो चली गई थी कुर्सी, कांग्रेस आ गई थी।
वो तो गलती से हो गया था मिसअंडरस्टैंडिंग। इस बार तो कमल ही खिलेगा, घर घर में खिलेगा और दिल में खिलेगा। दिल में खिलेगा, दिल में खिलेगा। भाई साहब कह रहे बैतूल में भी कमल खिलेगा। बैतूल में कमल नहीं, हर जगह कमल खिलेगा, हर जगह कमल खिलेगा जहाँ गलती हो गई थी। इतने हमारे 4 लाइन रोड बन गए, किसानों को एक फूल लगाता अगर वो इटारसी होशंगाबाद मंडी में रेट अच्छा रहता तुरंत 3 घंटे में भोपाल पहुंच सकता है, 2 घंटे में छिंदवाड़ा पहुंच सकता है, 2 घंटे में हरदा पहुंच सकता है। इतना अच्छा रोड बन गया, फुल टाइम बिजली पे। रोड किसने बना दिया यहाँ पर? तो विधायक कांग्रेस के थे, कांग्रेस वालों ने बनाया ना रोड। खाली यहाँ पे कांग्रेस 13 महीने में जो कांग्रेस की गवर्नमेंट थी उन्होंने सिर्फ जो मध्य प्रदेश में जो भाजपा ने जन कल्याणकारी योजना जो चालू करी थी सिर्फ उसको खत्म करने का काम किया। ये सब पहले से सेंशन हुए वाले थे। 4 लाइन आज नितिन गडकरी जी ने हमारे शिलान्यास किया था, ये तो सिर्फ इन लोगों ने कांग्रेस से कमीशन लिया उनसे, तो बस। अच्छा, सिर्फ कमीशन लिया। और अभी भी आज मेडिकल कॉलेज देख लो, वंदे मातरम ट्रेन रुक रही है। हाँ, इतनी लाडली बहना, इतनी योजना जो कैसे, ये कैसे पॉसिबल हो पाया? आपने कहा कि 4 लेन बन रहा है हमारे यहाँ पे, मेडिकल कॉलेज स्वीकृत हो गया, वंदे भारत ट्रेन रुक रही है, तो कोई तो यहाँ दमदार नेता होगा कांग्रेस का कि किसने ऐसा कर दिया कमाल। कांग्रेस के नेता अच्छे हो सकते लेकिन कोई दमदार नेता नहीं है यहाँ पे, कोई नहीं, कोई दमदार। भाजपा का कौन है? भाजपा का तो होगा में एक ही वजह, हेमंत भैया ने बिना विधायक रह के भी इतने अच्छे अच्छे कार्य कराए हैं, इतनी इतने लोगों को आज सभी को लेके चले। वो खाली बैतूल में नहीं, पूरी 5 विधानसभा में हेमंत भैया के नेतृत्व में चुनाव होगा और वो पूरी 5 सीट निकाल के लाएंगे। हेमंत भैया पूरी 5 सीट बैतूल का पूरा नेतृत्व करेंगे और मंत्री बनेंगे। सभी लोगों की तरफ से मैं उनको बधाई देता हूँ। हेमंत खंडेलवाल जी 5 विधानसभा सीट निकाल के लाएंगे और हेमंत खंडेलवाल जी प्रचंड बहुमत से जीतेंगे। इतना दम है क्या? इतना दम नहीं, पूरी जनता मैदान में, पूरी जनता अपना दम दिखाएगी, पूरी जनता मैदान में, पूरी जनता दिखाएंगे, जनता सब जनता। चलो जनता से बात करते हैं। आपको ससुर जी क्यों कहते हैं पीछे से? जवाई क्या इसलिए कहते हैं? ये जवाई है आपके? आगे से कहते हैं, पीछे से नहीं। अच्छा अच्छा, एक बात तो बताइए, दादा ने तो अपने दिल की बात बता दी, उन्होंने कहा जनता से बात करो, मैं जनता से ही बात करूंगा। अच्छा। क्या है मन में आपकी बार? आपकी बार कमल, कमलनाथ, कमल नरेंद्र मोदी, कमल नरेंद्र मोदी। हाँ, क्या है मोदी में ऐसा दम? बहुत दम है, बहुत कुछ है, बहुत ताकत है उसकी इसमें। अच्छा। हाँ, बाजीराव सिंघम बोलते हैं उसको, मोदी को। और मामा को क्या बोलोगे? शिवराज मामा। शिवराज मामा। आपके भी मामा है? सबके मामा है। क्या कर दिया मामा ने? बहुत कुछ कर दिया। अरे कुछ तो बताओ ससुर जी, कुछ तो बताओ। क्या बताए, सब कुछ बता दिया। अच्छा, मैं ससुर कह दूं आपको, कोई दिक्कत तो नहीं है? कोई दिक्कत नहीं ससुर जी। हाँ बोले। अच्छा ये बताइए ससुर जी, ऐसा क्या हो गया आपके दिल में कि आप कमल खिलाने की बात कर रहे हैं कांग्रेस की सीट पर? दिल 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 बोलता है, दिल लग गया कमल से, दिल लग गया। अच्छा पूरा पक्का दिल लग गया? पूरा पक्का दिल लग गया। देखिए ससुर जमाई, ससुर जमाई दोनों आज साथ हैं और दोनों ससुर जमाई से पूछूंगा, आपको क्या मिल रहा है? बहन जी को तो मिल रहे हैं पैसे, जीजा को क्या मिल रहा है? अरे वो भी तो अपना ही है, जो अपने को दे रहे हैं बहना को दे रहे हैं वो भी तो अपना ही है। खर्चा तो बचा, मामा जी दे रहे हैं तो अपना खर्चा तो बचा भाई। कह रहे मामा जी तो गए भैया। अरे मामा जी के बिना तो जीवन अधूरा, मामा जी है तो सब है, और शिवराज सिंह जैसा तो काम ही नहीं है। जगत मामा जगत साले भी बन गए वो। अरे साले तो है ही, साले में भी क्या बुराई है, लेकिन जगत मामा तो है ही। अच्छा जी जी। लेकिन कमलनाथ जी कह रहे अब की बार जगत मामा और जगत साले का हाथ पकड़ के छोड़ कर आऊंगा। अरे वो तो सोच है, उनकी सोच है कमलनाथ जी की, उनकी सोच है, सोच से क्या करना है? आपने को तो अपना काम करना है। अच्छा तो अपना क्या काम होगा? अपना तो वही है कमल का बटन, एक कमल का बटन, बिल्कुल एक तरफा जन्मसिद्ध अधिकार। ये गांधी जी परिवार के ऊपर वोट ले रहे हैं, खत्म इनकी कहानी यहाँ से। अच्छा बिल्कुल खत्म। अरे राहुल गांधी युवा नेता। अरे युवा तो मैं हूँ, वो कहाँ है? युवा मेरे को बोलेंगे कि उसको बोलेंगे? युवा तो मैं हूँ। अच्छा अब हालत नहीं है, वो एक अलग चीज है, वो खाते पीते घर में है। अच्छा। अपन इधर काम कर रहे हैं इसलिए थोड़ा हालत में कमजोर है, पर युवा तो मैं हूँ। बैतूल में क्या होगा? बैतूल तो सीट है कांग्रेस की। अब सीट तो देखो सभी की है, लेकिन कमल तो फूल है,
और खिलेगा, यहाँ खेड़ी के पास में ही खुलता है फूल और खिलेगा ही, खिलेगा बिल्कुल कमल का फूल बिल्कुल। सच बताओ। अरे आप आइए ससुर जी। अरे ससुर जी तो भाग गए। अरे हमारे ससुर जी और हमारा कहना है, रात भर हमने मंथन किया और ये किए कहना कमल। ससुर जी इधर आइए, ससुर जी को कैमरा पकड़ेगा। ससुर जी इधर आइए, मैं ससुर जी, मैं लेकर आता हूँ ससुर जी का पकड़ के। ससुर जी आपको बुलाया जा रहा है, आप नहीं जाएंगे। ससुर जी को मैंने पकड़ लिया। ससुर जी भाग रहे थे लेकिन पत्रकार ने ससुर जी को पकड़ लिया क्योंकि जमाई ने ससुर जी को आवाज लगाई। आ गए ससुर जी, ससुर जी को लेकर आ गया ससुर जी। कमल का फूल खिलाना है ससुर का और जवाई का, एक ही कहना है कमल का फूल खिलाना है बस। बस लो भैया, भाई साहब देखो ससुर जमाई दोनों इकट्ठे होकर कह रहे हैं चाहे हमें कुछ मिले ना मिले लेकिन कमल का फूल खिलाएंगे। हाँ जरूर खिलेगा, जो करेगा उसको सब कुछ मिलेगा, जो नहीं करेगा उसको कुछ नहीं मिलेगा। अरे करेंगे ना कांग्रेस वाले भी, कुछ नहीं करते कुछ नहीं करते, अभी तक के नहीं किया कुछ तो आप क्या कर लेंगे। अरे आपके यहाँ विधानसभा में थे ना विधायक नागा जी? थे वो तो 2.5 लाख का वो था, क्या बोलते उसको, 2.5 लाख लॉलीपॉप। अच्छा हाँ कमलनाथ ने? अरे कोई ने नहीं करे, कांग्रेस वालों ने, तभी तो डबल। एक दो तीन चार कैसे बोला था आप लोग बताओ? कुछ नहीं, ऐसे कितने 14 दिन गिनाए थे उनने, तो 14 के 14वीं हो गई उनकी, 13वीं हो गई, कुछ नहीं कर पाए वो। अच्छा हाँ, क्या लग रहा है आपकी बार कमल क्यों खिलाना चाह रहे हो? कमल इसलिए, जो बीजेपी की जो कल्याणकारी योजनाएं चल रही है उसका गरीबों को बहुत फायदा हुआ है, किसानों को फायदा हुआ है। बीजेपी के राज में सिंचाई का वो बढ़ गया, मतलब डैम बन गए हैं, रोडें बन गई है, संचार की क्रांति आ रही है। यहाँ पर बड़े डैम की बात हुई, मैं इधर आइए, मैं आप लोगों से भी बात करूंगा। मैं जब और लोगों से भी बात कर रहा था तो डैम की यहाँ पर बात हुई कि सिंचाई के लिए डैम की व्यवस्था की गई, यहाँ पर 4 लेन हाईवे की व्यवस्था बात हो रही है, यहाँ पर वंदे भारत भैया ने बताया कि ट्रेन रुक रही है, लेकिन जब यहाँ पर विधायक कांग्रेस का था तो ये सब कौन से नेता ने पॉसिबल कर दिया? ये तो इसके पहले हेमंत कंडेलवाल जी के प्रयास से पारसडो का निर्माण हुआ था, पारसडो डैम का। उसके बाद बैतूल में पीने के लिए पानी के लिए ताप्ती परियोजना का उद्घाटन किया, उससे आज पूरा बैतूल ताप्ती मैया का पानी पी रहा है। हाँ और क्या क्या दे देंगे उसके बदले, बात बाकी हॉस्पिटल भी अभी मेडिकल कॉलेज ला लिया है अपने खंडेलवाल में, इतनी ताकत है क्या वो मेडिकल कॉलेज भी ला रहे हैं बिना विधायक होने के बाद भी? बिना विधायक होने के बाद भी आज भी एक मंत्री जैसा रुतबा है हेमंत भैया का, और निश्चित है कि भारतीय जनता पार्टी अगर सरकार बनती है तो हेमंत भैया को बहुत बड़े पद पे मिलेगा ही मिलेगा, ये तय है। तय है, तय। चलिए और लोगों से बातचीत करता हूँ, आप बताइए क्या नाम है आपका? नामदेव साहू। रामदेव साहू, क्या मन है आपकी बार? की बार फूल ही खिलेंगे सर। फूल ही खिलेंगे? हाँ। क्यों मन में फूल क्यों है? क्योंकि मैं भी खुद काश्तकार हूँ, काश्तकारों को बहुत सुविधा दी है। सुविधा दी है? हाँ बहुत ही। ये तो कह रहे कुछ नहीं, अगर आपकी बार कांग्रेस आएगी तो सब कुछ करेगी? नहीं नहीं बहुत है? कांग्रेस ने पहले कुछ नहीं किया, अभी तो बहुत कुछ बीजेपी कर रही है। बीजेपी कर रही हाँ, है हाँ, आप भी किसान हो? हाँ जी। किसान का फायदा करा? हाँ हाँ बहुत फायदा। तो बताइए, कह रहे हैं कि अब की बार तो किसान के लिए कांग्रेस सब कुछ करके दिखाएगी? बोलती है करके तो कुछ नहीं दिखाती कांग्रेस वाले। हाँ जी। विश्वास नहीं है राहुल गांधी पर? नहीं। कमलनाथ पर विश्वास नहीं है? जी नहीं। तुम्हारा किसान हो तो तुम्हारा माफ नहीं किया कर्जा? नहीं किया हमारा, नहीं किया, कोई कर्जा माफ नहीं किया, कोई नहीं किया। अच्छा जी, इधर बात करेंगे भाई साहब। अरे रुकिए एक मिनट यार, कहाँ जा रहे हो? मुझे देख के भाग क्यों रहे थे? मैं चोर हूँ क्या? नहीं सर, मैं भी इंसान हूँ तुम्हारी तरह। हाँ। क्या नाम है आपका? कमलेश सातपुते। कमलेश सातपुते। अच्छा एक बार बताइए, क्या मन है आपकी बार यहाँ पे? कमल खिलेगा कि जाएगा? कांग्रेस की सरकार आएगी। कांग्रेस की सरकार? हाँ। कमल नहीं? नहीं। कांग्रेस में क्या है सर? कुछ नहीं सर। कुछ नहीं है फिर भी कांग्रेस को मजबूत कर रहे हो? अब नई पार्टी आना चाहिए सर। नई पार्टी कहाँ है, 60 साल पुरानी पार्टी है भाई साहब। आप रुको जरा एक मिनट, ऐसे ही खड़े रहना, ये रखना नहीं नीचे। आप एक बात बताइए, आपके मन में क्या है? भैया जो जनता का मन है वो अपना मन है। मोदी जी अपने मन की बात करते हैं, हमको चांस मिलेगा हम 180 करोड़ लोगों के मन की बात करेंगे। आप प्रधानमंत्री बनना चाहते हैं? अच्छा अच्छा एक बात तो बताइए, क्या लग रहा है कमल खिलाएंगे आपकी बार बैतूल में या आपकी बार? जनता का रुख है हाँ, कमल की तरफ, दोनों तरफ है हाँ।
60-40 का रेशो चल रहा है मध्य प्रदेश में। अच्छा। मीडिया का कहना है, कांग्रेस आ रही है, जनता का कहना है बीजेपी। मैं जनता से बात करता हूँ, मैं मीडिया से बात ही नहीं करता, मैं तो जनता से बात करता हूँ। आप ये बताइए, आपके दिल में क्या लग रहा है कि कांग्रेस पार्टी आ रही है कि अब की बार भाजपा फिर से आ रही है? भाजपा ही आएगी इस बार, तो भाजपा ही आएगी प्रदेश में, तो आएगी यहाँ कुछ भी हो। अच्छा, मतलब अब की बार कमल खिलने जा रहा है। जी हाँ। अच्छा, दादा से बात करेंगे, दादा जयराम जी की तो ले लो हमारी। छाले जयराम जी के छाले है, छाले हो रहे हैं। बात ठीक नहीं है। हाँ। चलिए, इनसे बात नहीं हो पाएगी, और लोगों से बातचीत करने की कोशिश करूंगा कि आखिर इधर आखिरी में माहौल क्या चल रहा है, यहाँ हिसाब किताब हो रहा है। आप कहाँ से आए हो बाबूजी? मैं तो मासो से आया। इधर से आइए जरा, एक बात तो बताइए, क्या नाम है आपका? मंगल बेले। मंगल जी बेले। मंगल बेले जी। जी। अच्छा, एक बात बताइए, क्या है मन में आपकी बार? कमल खिल रहा है कि मुरझा गया? हमारा तरफ आधा आधा है, आधा आधा है। अच्छा। हम तो, आपका दिल कहाँ है? कमल। आपका दिल कमल पे? कमल पे है। जब आधा आधा है तो उस वाले आधे में चले जाओ ना। नहीं, हम इधर से शुरू से इधर ही है ना। अच्छा। हाँ, वो क्या कर दिया मामा ने तुम्हारे लिए? मामा 1000 रुपए से 1500 रुपए, फिर अब 3000 रुपए दे रहे हमारी बीबी को। अच्छा। हाँ, हमको वो पैसे लाके देती है, हम दारू पीते सामने से बस। जीजा को कुछ नहीं मिल रहा? लेकिन नहीं मिल रहा, तो इसलिए तो बोल रहे हम जीजा तरफ भी ध्यान दे मामा को। अच्छा। तो मामा कांग्रेस की तरफ चले जाओ? कांग्रेस? जीजा कांग्रेस की तरफ चले जाओ। नहीं ना, पिछले बार दावा किया था 2 लाख तक के माफ करने का, पर 54 भी माफ नहीं हुआ, जेब से भरना पड़ा 2 लाख रुपए। जेब से भरना पड़ा? भरे हमने। कमलनाथ ने धोखा दे दिया क्या किसानों को? हाँ। अच्छा, कैसे बोला जरा बता दो एक बार। मतलब 2 लाख तक के माफ कैसे बोला था? 1, 2, 3, 4 कैसे करके बोला था? 2 लाख। 2 लाख? 2 लाख तक माफ करेंगे। माफ करेंगे? नहीं हुआ। नहीं हुआ? नहीं हुआ? नहीं हुआ। भाई साहब, ये तो कह रहे हैं 2 लाख के लिए बोला था कांग्रेस वालों ने। बोला था लेकिन हुआ नहीं ना। अच्छा, किया नहीं उन्होंने इन लोगों का, किसानों का? 11 दिन के अंदर अभी बिल्कुल। हाँ, तो कुछ नहीं हुआ बोल रहे हैं भाई ये आप किसान लोग। अब मैं तो नहीं हूँ किसान, मैं तो ड्राइवर हूँ, गाड़ी चलाता हूँ। यहाँ से पहले 5-6 घंटे लगते थे भोपाल जाने के लिए। अच्छा। 3 घंटे में सनसन पीरी पीरी अपना भोपाल मंडी। सनसन पीरी पीरी? हाँ बिल्कुल। कह रहे सनसन पीरी पीरी जा रहे मामा? अरे वो मामा तो आएंगे, मामा के पास तो हम जाते है, मामा है तो सब है, नहीं तो कुछ नहीं है। कुछ नहीं है? कुछ भी नहीं, ये सब जीरो है। जी जी। ये तस्वीर है मंडी की, ये मंडी के व्यापारी हैं, कोई गाड़ी का ड्राइवर है तो कोई यहाँ पर काश्तकार है। लेकिन मैं ग्राउंड जीरो पे उतरता हूँ ना, ग्राउंड जीरो पर उतर के जो हम आपको दिखाते हैं कि किस तरीके से अब की बार जनता ने क्या मूड बनाया हुआ है, वो राय जनता की आपको सुनाते हैं। तो आप भी इस खबर पे, इस वीडियो पे अपनी राय जरूर रखिए। कैमरामैन शिवम यादव के साथ विनोद शर्मा, बैतूल विधानसभा मध्य प्रदेश से।